नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही न्यूज चैनल ट्रस्टेड न्यूज में। दोस्तों, छत के पंखे सभी के घरों में लगे हुए हैं। गर्मियों में पंखे के बिना रहना भी मुश्किल होता है। आपको लगता होगा कूलर और एसी के जमाने में मैं कहां पंखों की बात लेकर बैठ गया, लेकिन यह पंखा है ही इतना अनोखा कि आप भी इसके बारे में जा न कर सिर पकड़ लेंगे। दोस्तों, ये पंखा जयपुर रेलवे स्टेशन पर लगा हुआ है। इस पंखे की एक पंखुड़ी 12 फीट की है, यानी यह 24 फीट डायमीटर का विशाल पंखा है। यह इतना वजनी है कि इसे लोहे के 3 तारों से बांधा गया है ताकि नीचे नहीं गिर सके। इस पंखे के नीचे एक साथ हजारों लोग बैठकर ताजी हवा खा सकते हैं। इसकी हवा की खास बात यह है कि यह फ्लो में हवा देता है जो कि ठंडी होती है। यह पंखा 53 RPM यानी राउंड प्रति मिनट की गति से घूमता है, यानी एक मिनट में यह 53 बार घूमता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप पंखे के नीचे बैठे हैं। आपको किसी खुले स्थान पर आ रही हवा जैसा महसूस होता है। इस पंखे का नाम हाई वॉल्यूम लो स्पीड फैन रखा गया है। कंजप्शन की बात करें तो यह पंखा केवल 1.5 किलोवाट का है, यानी अधिक बिजली खर्च नहीं करता। एक अकेला यह पंखा 15 फर्राटा पंखों की बराबरी करता है। आप इस पंखे को जयपुर जंक्शन पर बाहर बने वेटिंग हॉल में बड़ी आसानी से न केवल देख सकते हैं, बल्कि इसके नीचे बैठकर ताजी हवा का लुत्फ भी ले सकते हैं। आधे लोग तो सिर्फ इस पंखे को देखने आते हैं। एक पंखे को खरीदने और लगाने में 4 लाख रुपये की लागत आई है। यात्रियों का कहना है कि पंखे की हवा में काफी ठंडक है। स्टेशन पर लगे अन्य पंखों से आने वाली हवा नीचे तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती है। पूरे वेटिंग एरिया को कवर करने के लिए एक पंखा ही काफी है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगला वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। धन्यवाद।